जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 12 के स्किल टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल को देखेंगे। आज से हम 12 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल लेंगे उसको हम देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के प्रैक्टिकल में हम जो आपका पहला प्रैक्टिकल रहेगा वो ट्रेड हस्त औजार का रहेगा। इसमें हम अलग अलग तरह के औजारों को सीखेंगे। उसके अलावा आगे जो प्रैक्टिकल लेंगे उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हम शुरू करेंगे वो ट्रेड हस्त औजार के बारे में करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ट्रेड हस्त औजार के बारे में देख रहे हैं तो अलग अलग तरह के जो हस्त औजार होते हैं इलेक्ट्रीशियन में उनको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हस्त औजार होता है ये होता है हमारा माइक्रोमीटर। क्या होता है ये? माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर में जो काम करता है माइक्रोमीटर, हमारा तार का वायर का क्या करता है? साइज का मेजरमेंट करता है। किसमें करता है? एमएम स्क्वायर में। इसमें हम तार की मोटाई को हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं एमएम स्क्वायर में। ये इसके भाग होते हैं, ये इसका क्या होता है? जो होता है, ठीक है। और ये इसका थिम्बल होता है जो कि ये घूमता है, ठीक है यहाँ पर। अब उसके बाद में ये हमारा वायर स्ट्रैपर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वायर स्ट्रैपर। इसका कार्य क्या होता है? वायर को छीलना होता है और काटना भी होता है। उसके बाद में अगला जो हमारा हैंड टूल है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिम्पिंग टूल। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का यूज हम किसके लिए करते हैं? तार में लग लगाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तार में जो लग होता है। हमको पता है ट्रांसफार्मर में जो हम जो कनेक्शन करते हैं तो उसका जो एंडिंग सिरा होता है उसको हम ट्रांसफार्मर से जोड़ने के लिए, डायरेक्ट हम नहीं जोड़ते, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? लग। तो लग को कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं पेचकस की। तो इसको हम बोलते हैं पेचकस या स्क्रू ड्राइवर। क्या बोलते हैं इसको हम? पेचकस या स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। इसके आपको दोस्तों भाग पूछ सकते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये इसका जो भाग की बात करें तो ये इसका हैंडल होता है और इसकी बात करें तो ये आपकी क्या होती है? शैंक होती है। और आगे वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अलग अलग लंबाई के दोस्तों पेचकस आते हैं, कुछ छोटे। इसकी जो बात करें टिप पर, इसकी मेन इसमें होता है जो कसने वाला भाग होता है, टिप इसमें मेन होता है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा आगे हम बात करते हैं, ये हमारा होता है फेस टेस्टर। इसको क्या कहते हैं? फेस टेस्टर। फेस टेस्टर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हैंड टूल है। क्यों है? क्योंकि फेस टेस्टर का कार्य क्या होता है? फेज की उपस्थिति बताना होता है। अगर आप पूछ ले कि फेस टेस्टर न्यूट्रल को नाप सकता है कि नहीं नाप सकता, फेस टेस्टर जो दोस्तों होता है, फेस टेस्टर सिर्फ क्या करता है? फेज की उपस्थिति को ही बताता है। न्यूट्रल की उपस्थिति क्या इससे माप सकते हैं? नहीं माप सकते। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फेज टेस्टर से क्या हम न्यूट्रल नाप सकते हैं? नहीं, इससे सिर्फ फेज ही मापा जा सकता है। इसमें हम कई जने पूछेंगे कि इसमें हम अगर फेज और न्यूट्रल पता लगा तो हमको न्यूट्रल ऐसे पता लग जाता है? नहीं, न्यूट्रल की उपस्थिति हम सीधी डायरेक्ट नहीं बता सकते। उसके लिए हमको एक सीरी टेस्ट लैम्प का या एक अन्य लैम्प का यूज करना पड़ता है, उसी से हमको न्यूट्रल पता लगता है या नहीं है। इससे सिर्फ हमको फेज का ही उपस्थिति का पता लगता है। अब इसके भाग की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो इसमें आपको एक स्प्रिंग दिख रही है, ये देखिए स्प्रिंग होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसके अंदर बात करें लैंप की तो इसके अंदर जो लैंप लेते हैं कौन से यूज में लेते हैं? नियॉन लैंप। कौन सा लैंप लेते हैं? नियॉन। अब इसमें क्या होता है? नियॉन लैंप होता है। अब नियॉन लैंप के अंदर कौन सी गैस बढ़ते हैं? नियॉन गैस बढ़ते हैं जो कि क्या होता है? एक निश्चित मान की जब इसमें करंट आती है तो क्या होता है? ये हल्का लाल गुलाबी क्या रहता है? प्रकाश देता है, ठीक है। इसमें जो करंट को कंट्रोल किया जाता है स्प्रिंग जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक, जो कि क्या करता है? इसको करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। फेस टेस्टर की बात कर ले कि वोल्टेज रेंज की बात कर ले तो कितने वोल्टेज तक काम करता है? तो 500 वोल्टेज तक ये कार्य कर सकता है फेज टेस्टर। फेस टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है? 500 वोल्ट तक आपका कार्य करता है। फेस टेस्टर कार्य क्या होता है? फेज की उपस्थिति को बताना होता है। उम्मीद आपको अच्छे दोस्त समझ मारा होगा। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, ये अगला हमारा जो प्लायर है इसको हम क्या बोलते हैं? एंड कटिंग प्लायर। इसका एक नाम दोस्तों और बोलते हैं पिंसर प्लायर। बोलते इसको क्या बोलते हैं? पिंसर प्लायर। इसका कार्य क्या होता है? लकड़ी में फंसी जो किल्ले होती है, लकड़ी में जो फंसी हुई किल्ले होती है उनको निकालने के लिए काम कौन सा टूल आता है? एंड कटिंग प्लायर। इसका एक नाम और क्या? पिंसर प्लायर बोलते हैं। इसके मेन भाग कौन कौन से होते हैं? देखो भाग को आपको पूछ सकते हैं। इसकी ये क्या होती है? लेग्स होती है। ये इसका क्या होता है? जबड़ा जो होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारा जो अगला जो औजार है इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? फ्लैट नोज प्लेयर। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैट नोज प्लेयर बोलते हैं। फ्लैट नोज प्लेयर में आपको पता है कि ये इसका जो जो की बात करें तो थोड़ी क्या होती है? फ्लैट होती, तिखी होती है, इसलिए इसको हम तोता प्लेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तोता प्लस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें
बात करें ये इसकी लेग्स है और ये इसकी जो आगे वाली जो है ये थोड़ी तीखी होती है, इसलिए इसको हम तोता प्लायर्स भी बोलते हैं। इसका असली नाम की बात करें तो फ्लैट नोज प्लायर इसको कहा जाता है। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं, ये हमारा है, इसको हम क्या कहते हैं, पोकर। इसको क्या कहते हैं, पोकर, या इसको सुंभी या ब्रांडल भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, लकड़ी में छिद्र करने के लिए होता है। इसके ऊपर क्या करी जाती है, हथौड़ी से चोट मार जाती है और लकड़ी में क्या कहता है, ड्रिल करने का काम आता है। इसमें भाग इसके कौन कौन से होते हैं, हैंडल होता है और इसकी बात करें शेंक होता है। आगे वाली टिप इसकी क्या होती है, नुकीली होती है, ताकि आसानी से इसमें हम लकड़ी में ड्रिल कर सके, छेद कर सके आसानी से, ठीक है। अब अगला जो टूल है दोस्तों, ये सबसे मेन टूल है, क्यों, क्योंकि ये इसका कई एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि इसका यूज हम करते कम है ड्रिलिंग के लिए, इसका यूज मेन क्या होता है, ड्रिलिंग के लिए होता है, लेकिन ये पूछा कई एग्जाम जाता है। डीआरडीओ का एग्जामिनेशन एक बार पूछा गया था कि इसमें फोटो देकर डायरेक्ट पूछ लिया गया था इस औजार का नाम क्या है, तो इस औजार का नाम क्या होता है, रेचिट ब्रेस। क्या होता है, रेचिट ब्रेस होता है, रेचिट ब्रेस इसको बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ड्रिलिंग के लिए होता है। यहाँ पर क्या लगती है इसमें, ये देखिए आगे वाले भाग में इसमें हम क्या लगाते हैं, बिट लगाते हैं, यहाँ पर हैंडल होता है। अब ये ऐसा इस तरीके से घूमता है, ये मूवमेंट करता है, ठीक है। इसका कार्य भी क्या होता है, ड्रिलिंग में आता है। यहाँ पर बिट लगा हम क्या कर, ड्रिलिंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका नाम कई एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आपको नाम ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, रेचिट ब्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचिट ब्रेस। इसका आपको दोबारा रिपीट करते, नाम रेचिट ब्रेस। अब हम दोस्तों अगले टूल पर जाते हैं। ये जो हमारा टूल है इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिपर। कैलिपर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैलिपर। कैलिपर में ये आपको जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्प्रिंग। मेन इसमें कार्य ये होता है कि इसकी जो लेग्स होती है, लेग्स के आधार पर अलग अलग इसका रूपांतरण करता है। इसको हम बोलते हैं आउटसाइड। जब इसकी लेग्स अंदर की तरफ हो तब इसको बोलते हैं आउटसाइड, और जब बाहर की साइड हो तब इसको इनसाइड बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, इसकी लेग सबसे मेन होती है, तो इसको अगर बोलते हैं क्या करता है, कैलिपर। कैलिपर का मेन कार्य क्या होता है, तो कैलिपर जो होता है तुलनात्मक टूल है, इसको हम कंपेयरिंग टूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपेयरिंग टूल भी कहते हैं। ये तुलना करता है, जैसे हम कोई सीट पर मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए इस टूल का यूज होता है। काटने में कटिंग करते हैं, जब कंपेयरिंग करते हैं दो सतहों को अलग अलग, तो इसमें हम कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो इसका आपको सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने दूसरी बताई थी, जो मैं आपको बता रहा था, ये होती है आपकी इनसाइड कैलिपर, क्योंकि इसकी लेग बाहर वाली साइड है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस बाहर वाली साइड हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड कैलिपर बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों, इसको हम इनसाइड कैलिपर कहते हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारा हैंड टूल है इसको क्या बोलते हैं, एलन की बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एलन की। ये होती है दोस्तों एलन की। एलन की का कार्य क्या होता है, जो आपका हेक्सागोनल जो पेच वगैरह होता है, ये देखिए आगे इसकी संरचना देखिए, आपको षटभुजाकार संरचना दिख रही होगी, ठीक है। आपको हेक्सागोनल जो पेज का साइज होता है उसको खोलने के लिए इसका यूज किया था। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एलन की। क्या बोलते हैं इसको, एलन की के नाम जानते हैं। अब दोस्तों अगले नाम पर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते चिजल। चिजल बोलते हैं इसको, क्या बोलते दोस्तों, चिजल। इसको हम बोलते छेनी। क्या बोलते हैं, छेनी। ये कौन सी छेनी, कोल्ड छेनी होती है। अब इसमें आगे वाला भाग इसका क्या होता है, पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है। यहाँ पर अलग अलग संरचना के हिसाब से छोटी बड़ी भी आती है, अलग अलग साइज की आती है। ये देखिए आप किस तरीके से आपकी क्या होती है, छेनी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, चिजल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम चिजल के नाम जानते हैं। ये दोस्तों एक टाइप की और है। इसमें मैं दोस्तों इसमें जो नाम के आधार पर अगर देखे, नाम जो होते हैं दो तरह के चिजल सबसे ज्यादा यूज करते, एक तो हॉट चिजल, एक होती कोल्ड चिजल। ये जो मैंने पहले दिखाई थी ये होती है आपकी कोल्ड चिजल, ये होती है हॉट चिजल। आगे वाली जो इसकी जो पॉइंट होती है उसी के आधार पर इसका जो कटिंग एंगल होता है ना, उसी के आधार पर इसका हम क्या करते हैं, नामकरण दोस्तों हम करते हैं। अब अगले टूल की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम स्पैनर। क्या बोलते हैं, स्पैनर। अब स्पैनर में ये क्या होता है, इसका हैंडल होता है, ये इसका जो होता है जबड़ा, जो कि क्या होता है, एडजस्ट हो सकता है। ये देखिए इसका, ये देखिए बंद हो रहा है और ये खुल रहा है, तो एडजस्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्पैनर कहते हैं। स्पैनर का कार्य क्या होता है, नट बोल्ट को खोलना इसका काम होता है, स्पैनर। इसको एडजस्टेबल हम कहते हैं। अब हम अगले टूल पर आते हैं, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हैंड्रिल मशीन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, हम हैंड्रिल मशीन। हैंड्रिल मशीन का कार्य क्या होता है, लकड़ी में ड्रिलिंग करने के लिए मेन इसका कार्य होता है। अब दोस्तों अगले टूल की तरफ चलते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं वाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, हम वाइस। हैंड वाइस के नाम से इसको जानते हैं। एक टूल और दोस्तों, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बेंच वाइस। क्या बोलते हैं, बेंच वाइस।
बेंच वाइज का यूज दोस्तों क्या करते हैं, हम कोई भी जैसे लकड़ी की सीट होती है या कोई भी वस्तु को जकड़ कर रखने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके अलावा ये हैंड वाइज होता है, हैंड वाइज जो छोटी वस्तु होती है उसको पकड़ने के लिए काम आता है, और ये बेंच वाइज जो होता है बड़ी जो वस्तु होती है उनको पकड़ने के लिए काम आता है। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, SWG, क्या बोलते हैं इसको हम, SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम जाना था। क्या जाना था इसको, स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से इसको जाना जाता है। SWG में दोस्तों ये देखिए, इसमें क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट जिसको हम क्या कहते हैं, खांचे भी कहते हैं। इसमें तार को क्या करता है, फंसाया जाता है, और इसमें SWG में मेजरमेंट किया जाता है। SWG अगर बात करें तो SWG जो होती है वायर के मेजरमेंट की एक टेक्निक होती है, जैसे वायर को MM में मापते हैं वैसे SWG में भी मापा जाता है, ठीक है। अब ये SWG देखिए, अलग अलग साइज के आपको SWG दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि SWG जैसे जैसे बढ़ेगा, SWG जैसे जैसे बढ़ेगा, तार का साइज क्या हो जाएगा, अपना पतला होता जाएगा, क्या होता जाएगा, पतला। अब आपको जो एक SWG, दो SWG के खांचे दिख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको एक और दो के दिख रहे हैं, एक और दो के खांचे देखिए मोटे दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे ये देखिए, 6 पर बढ़ा, 7 पर बढ़ा, 8 पर बढ़ा, 9 पर बढ़ा, 10 पर, धीरे धीरे खांचे क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे। यानी SWG के बढ़ने पर वायर का साइज क्या होता जाता है, पतला होता जाता है, और SWG कम होने पर तार का साइज मोटा होता जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले टूल की बात करते हैं, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, L² के नाम जानते हैं, ठीक है, इसको हम गुनिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते दोस्तों, L² इसका यूज किसके लिए करते हैं, समकोणता की या फिर 90 डिग्री की जो होती है, 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोणता की परख के लिए या जांच के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, L² बोलते हैं, क्या बोलते हैं, L² क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, L टाइप में, इसलिए इसको हम L² भी कहते हैं। अब हम अगले टूल की तरफ चलते हैं, ये टूल सभी ने देखा होगा मेरे हिसाब से, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टील स्केल बोलते हैं इसको। स्केल होता है नॉर्मल जो हम यूज में लेते हैं, 30 सेमी का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते, स्टील स्केल बोलते। अगला जो हैंड टूल दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक एंड डाई। इसका यूज दोस्तों किसके लिए होता है, हम पाइपों में जो चूड़ी काटते हैं उसके लिए हम स्टोक डाई का यूज करते हैं। यहां पर देखिए आपको अलग अलग खांचे दिखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पाइप को फंसा कर क्या करते हैं, चूड़ी को काटते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोक एंड डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोक एंड डाई। अगले औजार की तरफ चलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर में अलग अलग भाग बता देता हूँ आपको मैं, इसको बोलते हैं लेग्स। क्या होता है लेग्स, ये इसका पीवेट नट होता है जो कि घूमता है भाई, जब हम इसको खोलते हैं बंद करते हैं तो ये पीवेट नट साथ में घूमता है। ये इसका क्या होता है, जो होता है जबड़ा होता है, ठीक है। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, नॉर्मल हम तार को छीलने के लिए करते हैं, उसके अलावा नट बोल्टों को थोड़ा बहुत खोलने बंद करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों गर्म वस्तुओं को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो जबड़ा होता है ये खराब होने की संभावना अधिक होती है। उसके अलावा कठोर जो होती है, कठोर जो मेटल होते हैं उसके, उससे भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसके खांचे जो होते हैं, ये देखिए, जब इसको जो इसके खांचे जो ब्लेड वाली होती है, ये देखिए ब्लेड खराब हो जाती है, क्योंकि जब कठोर वस्तु या कठोर तार काटा जाता है तो इसकी ब्लेड खराब होने की संभावना काफी अधिक होती है, ठीक है। अब हम अगले टूल की तरफ चलते हैं, ये इसको बोलते हैं ब्लो लैम्प। क्या बोलते हैं, ब्लो लैम्प। ब्लो लैम्प का यूज हम किसके लिए करते हैं, सोल्डरिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सोल्डरिंग के लिए करते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम केरोसिन तेल भरते हैं, उसके बाद में इसमें जब आग जलती है तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम सोल्डरिंग करने का एक मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लो लैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम ब्लो लैम्प कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम फाइल बोलते हैं। अब फाइल के कौन कौन से भाग होते हैं, देखिए फाइल का मेन जो नामकरण होता है वो इसकी इस सतह के आधार पर किया जाता है, जो इसकी सरफेस होती है, सरफेस के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। अब ये इसके भागों की बात करें तो आगे वाला भाग इसका क्या होता है, टिपिया पॉइंट, जो नॉर्मल मैंने बताया था पहले, आगे वाला भाग टिपिया पॉइंट कहलाता है। इस साइड वाले भाग को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, फेस। क्या बोलते हैं इसको, इसका फेस बोलते हैं। इसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ये दोस्तों कौन सी फाइल है, तो फ्लैट फाइल है। कौन सी फाइल है, फ्लैट फाइल। इसमें जो खांचे होते हैं ना, ये आपको दिख रहे हैं, देखिए इसी के आधार पर इसका हम नामकरण करते हैं। ये देखिए, ये कौन सी फाइल है, ये इसके देखिए दाने से आपको दिख रहे हैं। इसको हम क्या बोलते दोस्तों, फ्लैट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम फ्लैट फाइल के नाम से जानते हैं। अगले औजार की तरफ चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइप कटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाइप कटर। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं पाइप वाइस। पाइप को कसने और खोलने के लिए काम आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पाइप वाइस। क्या कहते हैं इसको, हम
पाइप वाइज सकते इसको, हाँ चालू कर दो सी क्लैंप बोल दो। इसको हम सी क्लैंप के नाम से भी जानते हैं, सी क्लैंप वाइज भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है सी क्लैंप या फिर पाइप वाइज भी इसको हम कहते हैं। अगले ऊर्जा की तरफ चलते हैं, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं स्निप, क्या बोलते हैं स्निप। स्निप का उपयोग दोस्तों किसके लिए करते हैं, नॉर्मल जो कागज होता है वो तो कैंची से या फिर अब हम बोलते हैं भाई नॉर्मल जो होता है कैंची से कट जाता है, लेकिन लोहे की सीटों को काटने के लिए हर औजार का उपयोग नहीं किया सकता, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों स्निप का करते हैं। स्निप के द्वारा लोहे की सीटों को आसानी से काटा जा सकता है। अगले औजार की तरफ चलते हैं, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं लकड़ी का रंदा, क्या बोलते हैं इसको लकड़ी का रंदा, या फिर इसको हम दोस्तों एक नाम से बोलते इसको हम बोलते हैं जैक प्लेन, क्या बोलते हैं इसको जैक प्लेन। ये इसकी दोस्तों यहाँ पर कटिंग जो ब्लेड होती है सबसे मेन होती है, कई बार ये खराब हो जाती है इस वजह से लकड़ी को छीलने में प्रॉब्लम आती है, तो ये ब्लेड सबसे सही होनी जरूरी होती है। इसको हम किस नाम जानते हैं जैक प्लेन के नाम से जानते हैं। इसका यूज किसके लिए करते, लकड़ी को समतल काटने के बाद में इसको लकड़ी को फ्लैट करने के लिए समतल करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये भी दोस्तों आपका सी क्लैंप वाइज ये सेम। अब इस दोस्त को इसकी बात करते हैं, इसमें दोस्तों जो हमने जो ब्लेड लगा रखी थी वो गर्म होने के कारण वो टूट चुकी थी, ठीक है इसलिए मैं इसमें ब्लेड नहीं लगा पाया। तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं हेक्सा विद फ्रेम बोलते हैं, इसमें जो ब्लेड लगी होती है ठीक है ब्लेड लगी थी हेक्सा विद फ्रेम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इसका ये क्या होता है फ्रेम होता है पूरा, इसको हेक्सा फ्रेम कहते हैं, इसके अंदर एक ब्लेड लगी होती है ठीक है। अब हम अगले टूल की तरफ चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हैचिट, हैचिटारी, क्या बोलते हैं इसको हैचिटारी बोलते हैं। हैचिटारी और रेचिड ब्रेस में आप कंफ्यूजन हो, रेचिड ब्रेस दोस्तों कौन सा होता है वो दिखाता हूँ। रेचिड ब्रेस जो होता है, रेचिड ब्रेस तो दोस्तों आपका ड्रिलिंग के लिए होता है, और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हैचिटारी। इसको कुल्हाड़ी की तरह होती है, आरी किसके तरह होती है कुल्हाड़ी की टाइप में होती है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हैचिट और इसको क्या बोलते हैं रेचिड ब्रेस, तो आपको नाम में कन्फ्यूजन नहीं होनी। अब हम अगले औजार की तरफ बात करते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं स्टील टेप, क्या बोलते हैं इसको हम स्टील टेप या फिर मेजरिंग टेप भी इसको बोल सकते हैं ठीक है। अगले औजार की तरफ दोस्त हम चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिकल वाले ठीक है पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। अगर आप पूरा नाम याद नहीं रहता आप ऐसे भी याद सकते हैं इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, क्या बोलते हैं इसको हम इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। अब इसमें यहाँ पर इसके क्या लगती है चक की लगती है जो कि बिट को खोलने काम करती है, ये आगे वाली इसकी क्या होती है बिट होती है, देखिए अलग अलग तरह की साइज की बिट आती है ठीक है। इसमें ये इसका पुश बटन होता है यहाँ पर, ये आपकी ड्रिल मशीन है। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपकी क्रॉस पिन हैमर है, इसको बोलते हैं हैमर, क्या बोलते हैं हैमर, इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर होता है क्योंकि आगे से क्या होती है तीखी होती है इसलिए इसको, और यहाँ से क्या होती है बोल टाइप की इसकी संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, इसको हम बोलते हैं मेलेट, क्या बोलते हैं इसको हम मेलेट, इसको हम लकड़ी का तोड़ा भी कहते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लकड़ी का तोड़ा भी कहते हैं। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं क्लो हैमर, किसका क्या बोलते हैं क्लो हैमर, इसका यूज किसके लिए करते हैं कील को निकालने के लिए करते हैं, यहाँ से ये बोल टाइप की संरचना है। इसके भाग की बात करें तो इसमें ये आपका हैंडल हो गया, ये इसका क्या हो गया फेस हो गया ठीक है, ये आपका कौन सा टूल है इसको बोलते हैं हम बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर बोलते हैं, ये इसका क्या होता है फेस होता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं ये वाली संरचना इसकी बॉल होती है, बॉल बोलते हैं इसको ठीक है, ये गोल संरचना भी होती है। इसको हम क्या बोलते दोस्तों हैंडल बोलते हैं, ये आपकी सीजर है नॉर्मल जिसको हम कैंची कहते हैं, ये हमारा दोस्तों क्या होता है स्पेनर, स्पेनर में दोस्तों अलग अलग साइज के स्पेनर आते हैं जो कि इसके स्पेनर का साइज इसके जो पर डिपेंड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं जबड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं जबड़ा बोलते हैं, अलग अलग साइज के स्पेनर आते हैं ये दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन, क्या बोलते हैं इसको हम सोल्डरिंग आयरन के नाम से जानते हैं इसको दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। इसकी बिट दोस्तों पूछी जाती है बिट किसकी बनी होती है, इसकी बिट तो इसकी बिट बनी होती है तांबे की, या इसको हम बोलते हैं कॉपर, तांबर कॉपर दोस्तों एक ही होता है। इसकी बिट जो आगे वाली होती है ये किसकी बनी होती है तांबे की, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर वायर की अगर पूछ ले, इसके अंदर वायर पूछ ले तो वो होता है नाइक्रोम का, कोई भी हीटिंग वाली एलिमेंट होता है तो वो सिर्फ नाइक्रोम का ही बनता है, अधिकतर किसका बनता है नाइक्रोम का ही बनता है। इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट की बात कर ले किसका बनता नाइक्रोम होता है, इसकी बिट किसकी बनी तांबे की बनी होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं तो
इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, जिमलेट। जिमलेट को हम ऑगर भी कहते हैं। इसका दोस्तों ड्रिलिंग के लिए करते हैं, ऐसे ड्रिल निकाल नकली को लकड़ी में ड्रिल करने के लिए। इस 3 mm जो छेद होते हैं वो करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑगर बोलते हैं या फिर जिमलेट भी कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो बारक की स्किल टेस्ट के लिए जो करेंगे वो करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। उसमें हम अलग अलग तरह के जो मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर, मीटर, उन सभी के प्रैक्टिकल को देखेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।